स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि केरल में 3 जून को मानसून की पहली बारिश हो चुकी है, यानी कि भारत में मानसून आ चुका है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के मुताबिक केरल में 3 जून को मानसून पहुंच गया है, यानी कि केरल में मानसून की पहली बारिश हो चुकी है। क्योंकि भारत में सबसे पहले जो मानसून की शुरुआत होती है वह केरल से मानी जाती है, और जो वर्षा ऋतु का समय है मानसून का, वह सामान्यतः जो बताया गया है मौसम विभाग के अनुसार, वह आपका समय है 1 जून से 15 सितंबर के मध्य, यानी कि 1 जून से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है और 15 सितंबर लास्ट है इसमें। लेकिन ये मानसून की डेट है आपकी, यह आगे पीछे भी हो सकती है। जैसे कि 2021 में 3 जून को मानसून की पहली बारिश हुई है, और इसमें लिखा है कि 2 दिनों में यह मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून और अरब सागर के शेष भागों में पहुंचकर वर्षा करेगा, यानी कि केरल में पहला जो मानसून है टकराता है, उसके बाद इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक अरब सागर का मानसून और एक बंगाली खाड़ी का मानसून। अरब सागर के पास में, यानी कि भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर 2-3 दिन में मानसून पहुँच जाएगा, क्योंकि भारत के पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। क्योंकि वह, यानी कि जो है, पवन मुखी ढाल पर है, जो कि तटीय क्षेत्र है भारत का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। और इसमें लिखा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं से या ऋतु परिवर्तन से, यानी कि ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदलती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। जैसे ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, और शीत काल में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। लेकिन भारत में जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून की दिशा है, यानी कि मानसून आने की दिशा जो बताई गई है, वह सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, और बंगाली खाड़ी का मानसून इसके बाद, यानी कि बंगाली खाड़ी होते हुए यह मानसून मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा करेगा। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, इसमें लिखा है कि आम तौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है मानसून, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था इसमें वीडियो में, यानी कि जो मौसम विभाग के अनुसार डेट बताई गई है वह 1 जून है केरल में पहुंचने की मानसून की। और इसमें लिखा है कि केरल में आम तौर पर मानसून 1 जून को पहुंचता है। मौसम विभाग ने इससे पहले यानी कि मानसून के यहाँ 31 मई या इससे 4 दिन बाद या पहले पहुंचने का अनुमान लगाया था, यानी कि मौसम विभाग ने कई बार ये जानकारी दी थी कि मानसून जो है 1 जून से पहले भी आ सकता है। कई बार ये न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा इसको, और ये भी बताया गया था मौसम विभाग के अनुसार कि ये मानसून आपका जो है काफ़ी लेट भी आ सकता है। और इसमें लिखा है कि लेकिन 30 मई को उसने कहा था कि अनुमान लगाया था कि केरल में अभी मानसून आने की स्थिति नहीं बनी है। ये कई बार ऐसा होता है कि लो प्रेशर बनता है, कभी वो अच्छी कंडीशन बन जाता है, कभी नहीं बन पाता है, जिसके आधार पर जो है वैज्ञानिक अपने साक्ष्य देते हैं। तो ये जो है ऐसा अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने कि ये मानसून जो है पहले भी आ सकता है, और यानी कि जून के पहले हफ्ते के बाद भी बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये मानसून आपका आ चुका है, केरल में पहली बारिश हो चुकी है। अब जल्द ही ये मानसून जो है भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश करेगा,
यानी कि इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक अरब सागर का मानसून और एक आपका बंगाली खाड़ी का मानसून। तो जिससे क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी, जिससे अगर सही वर्षा होती है अगर मानसून से, तो एक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।